हेलो स्टूडेंट, आरपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के 14वें भाग में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में अध्ययन करेंगे, ठोसों के गुण। तो हमको दो चीजों के बारे में अध्ययन करना है, ठोस के दो गुण के बारे में। एक गुण है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और दूसरा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी ठोसों के विद्युतीय गुण। ठोसों के विद्युतीय गुण आप जानते हैं कि ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं। कैसे ठोस? तो वैसे ठोस जिनके इलेक्ट्रिकल रेंज का मान जो होता है 10^-20 पर ओम पर मीटर से 10^7 ओम पर मीटर के समतुल्य हो, वैसे ठोस को जो है वे विद्युत के सुचालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। सुचालक पदार्थ को वस्तुतः तीन वर्गों में बांटा गया है, पहला चालक, दूसरा अचालक और तीसरा जो अर्धचालक कहलाता है। तो पहले हम देखते हैं कंडक्टर, वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है उसको जो है हम लोग कंडक्टर कहते हैं। वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, और वैसे पदार्थ जिनकी चालकता का परास 10^7 के बीच हो उनको चालक पदार्थ कहा जाता है, जिनमें यह वैसे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों एवं विद्युत रोधियों के मध्य होता है, ऐसे ठोस पदार्थ को अर्धचालक कहा जाता है। इनकी चालकता का परास 10^-6 पर ओम टू 10^4 पर ओम पर मीटर होती है। तो पहले हम लोग देखते हैं ठोसों के विद्युतीय गुण। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हम लोग जानते हैं कि ठोसों में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का गुण पाया जाता है, जिनके चालकता का विद्युत चालकता का परास जो है 10^-20 पर ओम पर मीटर से 10^7 पर ओम पर मीटर के बराबर होता है। ठोसों को तीन वर्गों में बांट दिया गया है विद्युतीय गुण के आधार पर। ठोस तीन प्रकार के होते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। तो बारी बारी से हम एक एक करके देखते हैं। चालक को कंडक्टर कहा जाता है, कंडक्टर। इसका जो रेंज होता है इलेक्ट्रिकल रेंज, वह होता है रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर यानी चालक
के विद्युत चालकता का परास कंडक्टर, ये होता है 10^7 per ohm per meter. इनमें धातुओं की चालकता जो होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, धातुओं का की विद्युत चालकता जो होती है वह 10^7 पर ओम पर मीटर होती है। ठीक है, इसीलिए यही कारण है कि धातु जो होते हैं वे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और उसमें भी जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है सिल्वर है। सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, अब देखते हैं अचालक इंसुलेटर। इंसुलेटर इंसुलेटर में जो है रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर ऑफ इंसुलेटर मतलब विद्युत रोधियों की विद्युत चालकता जो होती है वह 10^-20 पर ओम पर मीटर से 10^-10 पर ओम पर मीटर के बीच होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लकड़ी, कांच, रबर वगैरह जो है ये इंसुलेटर होते हैं, इनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। मतलब वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसको इंसुलेटर कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी चालकता जो होती है, विद्युत चालकता का जो परास है वह 10^-20 पर ओम पर मीटर से 10^-10 पर ओम पर मीटर के बीच होती है। अब तीसरा देखते हैं जिसको अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक सेमीकंडक्टर। देयर आर टू टाइप्स, एन टाइप्स एंड पी टाइप्स। अर्धचालक सेमी कंडक्टर रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर किसको कहेंगे? वैसे ठोस जिनकी विद्युत चालकता चालक और अचालक यानी विद्युत रोधियों के मध्य होता है उसको अर्धचालक कहा जाता है, और इसका परास जो होता है चालकता का परास 10^-6
पर ओम पर मीटर से 10 रेस टू द पावर 4 पर ओम पर मीटर होती है रेंज ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ये रेंज होता है, मतलब वैसे पदार्थ, वैसे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता 10^-6 पर ओम पर मीटर से 10^-4 पर ओम पर मीटर के बीच होती है उनको अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर कहा जाता है। साधारण भाषा में हम लोग इसकी परिभाषा लिखते हैं, वैसे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों और अचालकों के मध्य होती है उनको अर्धचालक कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल जो होगा, एग्जाम्पल हो जाएगा आपको सिलिकन, जर्मेनियम, ये जो है इसके एग्जाम्पल हैं। सेमीकंडक्टर आर टू टाइप्स, अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे को कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी एक जो होता है वह अर्धचालक होता है, वह अर्धचालक, और दूसरा जो होता है पहले प्रकार का उसको अंतर्निहित अर्धचालक कहा जाता है। अब भाई इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है कि इसका ऊर्जा गैप मान यानी डेल्टा ई जीरो का मान जो होता है वह बहुत कम होता है। ऊर्जा गैप मान जो है इसका बहुत कम होता है। वैसे अर्धचालक जिनका ऊर्जा गैप मान बहुत ही कम हो अंतर्निहित अर्धचालक कहलाते हैं। फिर से सुनिए, वैसे अर्धचालक जिनका ऊर्जा गैप मान यानी डेल्टा ई नॉट बहुत ही कम हो उसको अंतर्निहित अर्धचालक कहते हैं यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। जबकि वैसे अर्धचालक जिनमें अल्प मात्रा में अशुद्धि उपस्थित रहती है उनको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। वैसे अर्धचालक जिनमें अल्प मात्रा में अशुद्धियां उपस्थित होती है उनको बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। बाह्य अर्धचालक जो है ये दो प्रकार का होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर टू टाइप्स। एक को कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे को कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये दो प्रकार के होते हैं। अब इन टाइप क्यों कहा जाता है तो इसको देखते हैं, चित्र की सहायता से समझने का हम प्रयास करते हैं कि इन टाइप अर्धचालक इनको क्यों कहा जाता है और इनको पी टाइप क्यों कहा जाता है। पहले वाह अर्धचालक के पहले प्रकार के बारे में देखते हैं, इन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में देखते हैं।
जर्मेनियम अर्धचालक है, क्या है, एक नंबर है एन टाइप, जर्मेनियम 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 लैटिस बना रहे हैं स्टूडेंट, खयम यहां जो है अशुद्धि के रूप में आर्सेनिक प्रविष्ट कर जाता है और इसको डोप कराया जाता है, डोपेंट है ये, डोपेंट। और ये जो खाली जगह है इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। अब इस प्रकार क्या होता है, ये अशुद्धि है आर्सेनिक, जर्मेनियम का लैटिस है, इसमें अशुद्धि के रूप में डोपेंट कराया गया आर्सेनिक को, इस प्रकार जो लैटिस तैयार हुआ और इस प्रकार जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना वह एन टाइप बनता है, एन टाइप। इसमें डोपेंट क्या होता है, आर्सेनिक होता है। अब इससे क्या होता है कि जैसे ही इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है इसकी चालकता जो है बढ़ जाती है और इससे एन टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है। दूसरा देखते हैं पी टाइप, पी टाइप अर्धचालक, इन टाइप अर्धचालक में डोपिंग कराया गया आर्सेनिक को और ये कैसे बनता है, तो इसमें अशुद्धि के रूप में आर्सेनिक उपस्थित होता है और यह जो है इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन धुनी धनी अशुद्धियों के कारण बनने वाले वह अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है। इसमें आर्सेनिक मिला सकते हैं, सिलिकॉन का फास्फोरस या आर्सेनिक से आप मिश्रण कर सकते हैं, ठीक है, फास्फोरस या आर्सेनिक से के आप मिश्रण से जो अर्धचालक बनता है उसको एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है। अब देखते हैं पी टाइप अर्धचालक, दूसरा है पी टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर में होता है क्या कि अशुद्धि के रूप में बोरॉन उपस्थित होता है। अब बोरॉन में आप जानते हैं कि तीन इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि यह जब डोप कर दिया जाता है, डोपिंग इसकी कर दी जाती है, ये डोपेंट है बोरॉन, तो जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में बोरॉन को मिलाया जाता है,
अशुद्धि के रूप में बोरॉन उपस्थित होता है। तो इस प्रकार के अशुद्धि से जो अर्धचालक बनता है, सेमीकंडक्टर बनता है, उसको पी टाइप अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।